सज्जनों और देवियों, अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ भारतीय परंपरा में माने गए हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष, वस्तुतः अर्थ और धर्म ये साधन है, काम और मोक्ष ये साध्य है। दो ही पुरुषार्थ, काम और मोक्ष, अर्थ धर्म उसके साधन है। पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष का प्रयोजन, पुरुष अर्थ पुरुषार्थ, पुरुष का जो अर्थ है प्रयोजन है। किस अर्थ से बात करते हो, आपका क्या अर्थ है लोग कहते हैं, तो अर्थ का मतलब प्रयोजन, मतलब पुरुषार्थ पुरुष अर्थ, पुरुष का प्रयोजन। पुरुष किसे कहते हैं, आत्मा को। पुरुषेते पुरुष, शरीर रूपी पुर में शयन करता है आत्मा, इसलिए पुरुष कहते हैं। पुरुष का और शुद्ध शाब्दिक अर्थ है आगे आगे प्रकाश करने वाला, पुर उष। ये दो पद मिलकर के पुरुष शब्द बनता है, पुर उष। पुर नाम आगे, उष नाम जलाना। आगे आगे जो ज्ञान प्रकाश करता है वो जीवात्मा पुरुष है, चाहे नारी के शरीर में हो, चाहे नर के शरीर में हो, चाहे नपुंसक के शरीर में हो, आत्मा मात्र पुरुष है। पुर उष पुरुष और अर्थ प्रयोजन पुरुषार्थ, ये शब्द तीन पदों से हुआ। पुर उष अर्थ, पुर आगे उस जलाना, अर्थ प्रयोजन। आगे आगे जो हरदम ज्ञान का प्रकाश करता रहता है उस आत्मा का प्रयोजन क्या है, सरल अर्थ करें तो ये ज्ञान मय जीव का, ज्ञान स्वरूप जीव का प्रयोजन यहां क्या है। दो प्रयोजन है, काम और मोक्ष। काम का अर्थ है कामना, दुनिया में रह करके चलने के लिए, गुजर बसर करने के लिए कामना भी होती है। शरीर रक्षा के लिए भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, जीवन धारण उपयोगी अनेक वस्तुएं होती हैं वो चाहिए, इसलिए काम का अपना महत्व है। सामान्य व्यक्ति एकदम ब्रह्मचर्य व्रत में रह करके साधना सभी लोग करें असंभव है, इसलिए काम का जो अर्थ होता है स्थूल उसका भी महत्व है। नर नारी हैं वे सब साधना में नहीं रह सकते हैं पूरा का पूरा, इसलिए वह नर हैं तो किसी नारी से, नारी हैं तो किसी नर से, अपनी योग्यता के अनुसार विवाह करके रहें, संयमित रहें। जो पूरा जीवन ऐसे ही संयमित रह सके, लड़की हो या लड़का, बड़ा अच्छा। लेकिन बाकी लोग समय आने पर विवाह कर लें। विवाह क्यों करते हैं, दैहिक आकर्षण, युवती को युवक के प्रति, युवक को युवती के प्रति दैहिक आकर्षण है। इस आकर्षण का वे संयमन नहीं कर पाएंगे तो समाज में भ्रष्टता होगी, इसलिए विवाह करना कर्तव्य है। विवाह का अर्थ होता है विशिष्ट ढंग से वहन करना, विवाह विशिष्टम वहनम, विशिष्ट ढंग से निभाना, खूब निभाना,
पत्नी को पति, पति को पत्नी निभाए। पति के लिए पत्नी धन है, पत्नी के लिए पति धन है। जो देवियां अपने पति को गहने और कपड़े के लिए कट शब्द कहती हैं, वह सोचनी। जो पुरुष अपनी पत्नी के प्रति कट व्यवहार करता है वो भी सोचनी। पति के लिए पत्नी धन है, पत्नी के लिए पति धन है। दोनों प्रेम से आपस में रहे, ये उसका विवाह का अर्थ होता है। पूरा जीवन विवाह में जाना, विवाह विशिष्ट ढंग से वहन करना, ठीक ढंग से निभाना विवाह। दैहिक आकर्षण था इसलिए विवाह किया, अब वो भी समझ में आ गया कि ये दैहिक आकर्षण जो हमारा है ये भी भ्रम है, इसमें सार नहीं मिलता, दुख होता। तो जान लिए अब संयम से रहो। विवाह संयम के लिए ही है। अविवाहित रहते और मन उतना विवेकवान नहीं है, संयम न कर पाते तो अमर्यादित बहते, तो अपना पतन करते, समाज में प्रदूषण फैलाते, ये बुरा होता। इसलिए विवाह कर लिए, अच्छा हुआ। विवाह करने पर समझ में आ गया जिसके लिए आकर्षण था वो आकर्षण व्यर्थ ठहरा, तो अब संयम में चलो। कम से कम पति पत्नी आपस में संयमित रहें, पर पुरुष पर स्त्री से परहेज, पराए पुरुष के संपर्क से नारियां दूर, पुरुष पराई स्त्रियों के संपर्क से दूर, और मर्यादा में चले। ये सब काम का क्षेत्र है, काम व्यवहार बर्ताव इच्छा, सांसारिक वस्तुओं के लिए इच्छा, तो उसका साधन है अर्थ। पैसा होगा तब भोजन होगा, पैसा तो खास चीज नहीं है, भोजन खास चीज है, भोजन भी अर्थ है, असली अर्थ तो वही है। लेकिन बहुत दिनों से पैसे का, पैसे की खोज हुई, सिक्के की खोज हुई। एक जमाना था किसी को कुछ खरीदना होता था, गाय ले जाता था, एक गाय दे दिया और चीज खरीद लाया, गाय धन रही। इसलिए साहब ने कहा गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो पहले उन्होंने गाय को कहा, गोधन था, गाली जाकर के दे दिए, तलवार खरीद लाए, तीर खरीद लाए और चीजें खरीद लाए, गाय ही मानो सिक्का था। आगे चल करके खोज हुई, सिक्के बने, सिक्के बनने में सरलता हो गई, आधुनिक युग में नोट बने और सरल हो गए, लाखों रुपया लोग साथ में रखे रहे कोई न समझ पाए। तो ये सब वस्तुओं के लेने देने के लिए सुविधाएं, असली अर्थ है जिनका हम उपयोग करते हैं देह व्यवहार में, तो अर्थ की उपयोगिता है। ज्ञानी के जीवन में भी अर्थ चाहिए, ज्ञानी भी भोजन करता है, कपड़े पहनता है, किसी न किसी घर में रहता है, उस घर का नाम आश्रम या कुटिया जो हो, आप लोग बुलाते हैं तो आपके घर में रहता है। जीवन धारण उपयोगी अनेक वस्तुएं उसे लगती हैं, वो सब अर्थ है। बस में बैठेगा टिकट लेना पड़ेगा, ट्रेन में बैठेगा टिकट लेना पड़ेगा, पैसे की जरूरत उसको भी होगी। इसलिए ज्ञानी पुरुष को भी, संत पुरुष को भी अर्थ की आवश्यकता होती है। तो काम लक्ष्य है, पुरुषार्थ है, और अर्थ उसका साधक है। काम यानी संसार की कामना, संसार की कामना, संसार की इच्छा, सांसारिक व्यवहार को संपन्न करने की इच्छा, उसकी पूर्ति के लिए अर्थ की आवश्यकता है। और मोक्ष का साधन धर्म है। अंततः
मोक्ष ही पुरुषार्थ है, काम पुरुषार्थ नहीं है। काम तो एक व्यवहार है, मोक्ष के लिए धर्म साधन है। फिर भी अर्थ का उपयोग कोई टाल नहीं सकता है। अर्थ की जरूरत है, लोगों को धन कमाना चाहिए मेहनत से, किसी का धन छीन करके नहीं, चुरा करके नहीं, बेईमानी बदमाशी करके नहीं, ईमानदारी से मेहनत से कमाओ, उपयोग करो। कोई प्रेम से आपको दे उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन धोखा देकर नहीं। अर्थ का उपयोग जीवन भर है, इसलिए उसका महत्व है। और विवेक विचार से अर्थ उपार्जन करना चाहिए। आमदनी जितनी हो उतने में संतोष रखना चाहिए, तभी वो पाप से बच सकता है। आजकल विज्ञान का युग है, विज्ञान ने साधन इतनी इकट्ठे कर दिए हैं ऐश्वर्य के कि देख देख करके लोग ललचाते हैं। जिनके पास पैसे हैं उसका संग्रह करते हैं, जिनके पैसे नहीं हैं उनमें से जो उग्र इच्छा वाले हैं वो बेईमानी बदमाशी करके उसका संग्रह करना चाहते हैं। दिखावा बहुत बढ़ गया है, चीजें बढ़ गई हैं, लेकिन चित्त अशांत है। पर इतनी आत्महत्या नहीं होती थी जितनी आजकल होती है। मुझे याद है परतंत्र भारत की, जब भारत परतंत्र था, अंग्रेज गवर्नमेंट का जमाना था, गांव में ऐसे तबके होते थे जिनको समय समय से भोजन नहीं मिलता था, भूखमरी पड़ जाती थी। दो दो तीन तीन दिन तक उनके घर में चूल्हे नहीं चलते थे। आसपास के लोग जब जान पाते थे तो उनको कुछ देते थे। उस जमाने में मैंने नहीं देखा कि भूखमरी के कारण किसी ने आत्महत्या की हो, मुझे बिल्कुल याद नहीं। और भूखमरी ग्रस्त लोगों को देखा, ये सुनता था कि इनके घर में चूल्हा नहीं चला है दो दिन हुए, तो उनको कुछ दिया जाता था। लेकिन आज दोनों टाइम गर्म भोजन करने वाले, स्कूटर और कार भी घर में है, बंगला है, नियमित आमदनी है, बैंक बैलेंस है, ऐसे घरों में आत्महत्याएं बढ़ गई। दुनिया के ऐश्वर्य की इकट्ठा होने से कोई सुखी नहीं होता है। जब तक विचारों की पवित्रता न हो, प्राप्त में संतोष न हो, असंतोष तो उतना बढ़ेगा जितना हमें प्राप्त होगा, असंतोष बढ़ता ही जाएगा। विवेक के बिना कभी भी असंतोष मिट नहीं सकता है। परिश्रम करें, परिश्रम में जो मिले उसमें संतोष करें। ये अर्थ व्यवस्था की संक्षिप्त बात है। धर्म जो मोक्ष का कारण है उस पर विचार। धर्म क्या है? हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म कहते हैं, ये सब धर्म नहीं है, ये सब परंपराएं हैं। हिंदू एक समाज है, हिंदू में बहुत सी परंपराएं संप्रदाय हैं, इस्लाम संप्रदाय है, ईसाईयत संप्रदाय है, बौद्ध जैन संप्रदाय है, ये सब संप्रदायें धर्म नहीं। धर्म एक है जो विश्वव्यापी है, जिसे आजकल हमने धर्म कहना शुरू कर दिया है। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, ये गलत हो गया है। ये सब संप्रदायें परंपराएं। इस्लाम 1428 वर्षों से है, ईसाइयत 2000 वर्षों से है, बुद्धत्व 2500 वर्षों से है, जैनत्व इससे पुराना है। लेकिन जैन साहित्य भी ईसा के 500 वर्ष बाद बने हैं।
डेढ़ हजार वर्ष हुए जैन साहित्य के बने, उसके पहले साहित्य नहीं थे। हिंदू शब्द का प्रचलन ढाई हजार वर्षों से है। चारों वेदों में हिंदू शब्द नहीं है, उपनिषदों में, छह शास्त्रों में हिंदू शब्द नहीं है। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण और महाभारत दो महाकाव्य, इनमें भी हिंदू शब्द नहीं है। पुराणों में हिंदू शब्द आया। ईरान के लोगों ने जब सिंध नदी को हिंद नदी कहा और इस देश को हिंद देश, तो उन्होंने यहाँ के लोगों को हिंदू कहा, क्योंकि फारसी भाषा में सा का हा हो जाता है, जो संस्कृत में जहाँ सा का प्रयोग होता है वहाँ फारसी में हा का प्रयोग होता है। जैसे संस्कृत में फसल को सस्य कहते हैं, फसल को संस्कृत में सस्य कहते हैं और फारसी में हय कहते हैं, डेढ़ सा है और या सस्य, तो उस वही डेढ़ सा डेढ़ा हो जाता है, हय या वैसे के वैसे सस्य हय, संस्कृत में सस्य, ईरानी में हय, जिसको हम फसल कहते हैं। हा का प्रयोग फारसी सा के स्थान पर फारसी में होता है। सिंध को हिंद कहा, हिंद नदी, और इस देश को हिंद देश, यहाँ के लोगों को हिंदू, तब से हिंदू शब्द का प्रचलन हुआ। हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है, मजहब नहीं, एक सागर जैसा है, उसमें बहुत संप्रदाय है। इस्लाम संप्रदाय है, उसमें एक मुखिया है हजरत मोहम्मद साहब, कुरान एक पुस्तक है, वो एक संप्रदाय है। ईसाइयत एक संप्रदाय है, संत ईसा उसके मुख्य हैं और नई बाइबिल पुस्तक है, उनके कुछ नियम हैं। हिंदू समाज में वेद है, वेद में हिंदू शब्द ही नहीं, अनेक ऋषियों के बनाए हैं, एक संप्रदाय की उसमें बात ही नहीं कही गई है। हिंदू सागर जैसा है, उसमें नए नए संप्रदाय पीछे बने। संप्रदाय किसी देश और काल में बनते हैं और बदलते हैं और विनसते हैं, लेकिन धर्म न बनता है, न बदलता है, न विनसता है, उस सब समय एक समान रहता है। हिंदू समाज में आजकल जितनी पूजा होती है देवताओं की, वैदिक युग के देवता नहीं है, और वैदिक देवता आजकल कोई हिंदू नहीं पूजता है, जैसे इंद्र, मरुत, वरुण, अग्नि, उषा, अश्वनी, ये सबको कोई नहीं पूजता है। इस्लाम जहाँ से पैदा हुआ है वहाँ की प्रक्रिया कुछ अलग थी, इस्लाम की अलग हो गई। हजरत मोहम्मद के ज़माने का इस्लाम और आज में बहुत फर्क हो गया। हजरत मोहम्मद ने हदीस में स्वयं कहा है कि चार पीढ़ी में हमारे में बहुत अंतर हो जाएगा। ईसाइयत में परिवर्तन हुआ है, सब में परिवर्तन होता है, संसार का स्वभाव है, हर संप्रदाय में परिवर्तन होता है और दीर्घ काल में घोर परिवर्तन हो जाता है। धर्म में परिवर्तन नहीं होता है, धर्म एक समान सब समय रहता है। धर्म क्या है? नमाज पढ़ना, प्रार्थना करना, राम राम कहना, अल्लाह अल्लाह कहना, यह संप्रदाय की बात है। धर्म की बात क्या है? संयम और शील, अपने पर संयम करना और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करना, यह धर्म है। अपने पर संयम, सब कुछ हो गया इसमें, अपने मन को वश में करो, अपनी वाणी वश में करो, अपनी इंद्रियों को वश में करो, अपने आप को, अपने अहंकार ममकार को मार लो, आत्मविजयी हो जाओ, ये धर्म है। जितना कर सको उतना धर्म का पालन होगा। हार जाना, एक हार दुखदाई है, एक हार सुखदाई है। दुनिया में सब हार जाते हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, सब हार जाते हैं,
जीवन हार जाते हैं। जीवन भजन साधन के लिए मिला और दुनियादारी में बीत गई जिंदगी, तो हार हो गई। और हार में ही, घाटा में ही सब जीव जाते हैं। बिरले हैं जो आत्मविजयी होते हैं, लेकिन आत्मविजय के लिए दूसरे ढंग से हारना पड़ता है, तब कोई आत्मविजयी होता है। कोई लड़ लड़ के आत्मविजयी नहीं होता है, सह सह कर होता है। कोई एक आदमी क्रोध पूर्वक कट कह रहा है, हम भी क्रोध पूर्वक कट कह रहे हैं तो हम हार गए। वो कट कहे हम मीठा बोले या मौन रहे, तो ये हमारी जीत होगी। हार ही जीत है, आध्यात्मिक क्षेत्र में हार ही जीत है। हारा सो हरि को मिले, जीता जमपुर जाए, ये साहेब की आधी साखी है। जो हारता है वो हरि को मिलता है और जीतता है वो जमपुर को जाता है। यमपुर कहीं आकाश में नहीं, यमपुर है बुरी वासना, गंदा मन। जो दूसरे को, दूसरे पर जीतने की चेष्टा रखता है उसका मन गंदा होता है, और जो सबसे हार मान लेता है वो शीतल हो जाता है। सबसे हार मान लेना, एक दिन अभ्यास करके देखो। आपके घर में कोई आपको कट कहे, आप शांत रहे, निर्विकार भाव से शांत रहे, मन में प्रतिक्रिया न हो, प्रसन्न मन से शांत रहे, तो आप देखेंगे कितना आनंद है। कोई कट कहता है, आप भी कट कहते हैं, कलह बढ़ जाता है, दुख बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है। उसका मन न रखुआ, आपका भी मन न रखुआ। कोई कट कहता है, आप भी कट कहते हैं, कलह बढ़ जाता है, दुख बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है। उसका मन न रखुआ, आपका भी मन न रखुआ। लेकिन किसी ने कट कहा, अब आप शांत रहे, वाणी भी शांत रही, मन भी शांत है, मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं, मन में उसके लिए सद्भाव है, तो ये आत्मविजय है। ये आत्मविजय हार करके मिलती है, ध्यान दीजिए। हारोगे तभी आत्मविजय मिलेगी, नहीं नहीं मिलेगी। कल्याण चाहते हो तो हारो, पत्नी से हार जाओ, पति से हार जाओ, पिता से हार जाओ, बच्चे से भी हार जाओ, शिष्य से भी हार जाओ, पड़ोसी से हार जाओ, सबसे हार जाओ। शांत, गंभीर, सहनशील हो जाओ। वाक बाण बाहर से गिरे अपने ऊपर, सब सहते जाओ, पूरा का पूरा सह लो। देखो फिर कितना अमृत रस जीवन में झरने लगेगा। लेकिन ये कमजोर स्नायु का आदमी नहीं कर सकता है, बहुत बलवान व्यक्ति कर सकता है। कमजोर आदमी तो लाठी लेके खड़ा होता है, झगड़ा करता है। बहुत बलवान होगा वो कट शब्द सुन करके शांत रहेगा, प्रतिक्रिया रहित रहेगा, रिएक्शन लेस, कोई रिएक्शन नहीं। बहुत बलवान आदमी ऐसा होगा जो ऐसा कर सकेगा। सहने में बलवान बनो, तब आत्मविजयी हो सकते हो। असली धर्म है सह लेना। धर्म युद्ध के नाम पर चले हैं, वो धर्म युद्ध नहीं था, सांप्रदायिक विद्वेष था। धर्म में कहीं युद्ध होता है? धर्म में तो दूसरे की सेवा होती है। सह लो, दूसरे की सेवा करो। धर्म की परिभाषा मैंने की, अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव। शील का बर्ताव यानी प्रेम का, करुणा का, स्नेह का बर्ताव। शील शब्द बड़ा गंभीर है। शील का अर्थ होता है कोमल भावना, शील का अर्थ होता है चरित्र निष्ठा, शील का अर्थ होता है समस्त सदगुणों का समुच्चय। साहेब ने कहा, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रतनों की खानी, तीन लोक की संपदा रही शील में आनी। शीलवान बनो,
दूसरों को मुझसे तकलीफ ना हो, ये ख्याल रखना शील का मुख्य लक्षण है। मेरे द्वारा दूसरों को तकलीफ ना हो, बन सके तो उनकी सेवा हो, ये भावना रखना शील का लक्षण है। और ये तभी होगा जब अपने पर संयम हो। जो अपने पर संयम नहीं कर सकेगा वो दूसरे के साथ शील का व्यवहार नहीं कर सकेगा। महाराज राम ने अपने पर संयम किया तो माँ बाप के लिए शील का बर्ताव किया, भरत के लिए शील का बर्ताव किया, राज छोड़ करके बिल्कुल चुपचाप चले गए। वे चाहते तो न जाते, 10 दिन के बाद उनको तो राजा होना ही था, भरत आते उनको राजगद्दी देते, लेकिन चुपचाप चले गए, एकदम हार मान लिए, मौन शांत, कोई ऐतराज नहीं। ये अपने पर कठोर संयम है। एक राजकुमार 14 वर्ष के लिए कठोर तपस्वी जीवन स्वीकार ले, बहुत बड़ी बात है। शर्त ऐसी थी कि 14 वर्ष तक कोई किसी गांव नगर में नहीं जा सकते, किसी का दिया हुआ कुछ नहीं खा सकते, स्वयं उपार्जन करें और खाएं, झोपड़ी में रहें। एक राजकुमार इतना कठोर व्रत ले लिया, ये अपने पर कितना संयम है, तभी वह शील का बर्ताव कर सके। भरत को राज मिल गया था, वे गद्दी बैठ जाते, कोई अड़चन न होता, लेकिन उन्होंने अपने पर संयम किया कि राम बड़े भाई हैं, राजगद्दी के वे अधिकारी हम नहीं। और उन्होंने जा करके उनके चरणों में अर्पित कर दिया। जब वे नहीं लौटे तो उन्होंने सेवा की, राज की, भोग नहीं किया। जंगल में महाराज राम जितना कष्ट उठा करके रहते थे, उस ढंग से तितिक्षा से भरत जी अयोध्या से बाहर जंगल में रहते थे। आप जब कभी भी अयोध्या जाएं, तो इलाहाबाद से जब आप अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या के और फैजाबाद के भी बहुत पहले भरत कुंड एक जगह है, वहां पर वे रहे तपस्वी होकर के, अपने पर संयम उन्होंने किया, तब राम के साथ शील का बर्ताव कर सके। महाभारत की कहानी है, कौरव पांडव में दोनों में अपने में संयम नहीं था, इसलिए दोनों दोनों के साथ शील का बर्ताव नहीं कर सके। दोनों 18 दिन में कट के मर गए, कौरव वंश पूरा नष्ट हुआ, पांडव भी 5 रह गए, लेकिन जब तक जिए रोते रहे। स्त्रियां विधवा हो गई, वे आग में कूद कर पानी में कूद करके उन्होंने अपना विसर्जन किया। युद्ध के बाद कहीं भी सुख शांति नहीं होती। कौरव पांडव अपने में संयमित नहीं थे, इसलिए वे शील का बर्ताव नहीं कर सके। राम और भरत दोनों अपने में संयमित थे, इसलिए दोनों के साथ उन्होंने शील का बर्ताव किया। ये धर्म है, अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव। हिंदू वह है जो अपने पर संयम करे, और गैर हिंदू के लिए शील का बर्ताव करे। मुसलमान वह है जो अपने पर संयम करे, परहेजगारी से रहे, और दूसरे के साथ रहमदिली का व्यवहार करे, प्रेम का बर्ताव करे। ऐसे सब की बात है, हिंदू मुसलमान तो नाम ले लिया, बात यह है कि हर इंसान का असली धर्म यही है कि अपने लिए कड़ा रहे और दूसरे के लिए नरम रहे। अपने लिए कड़ा रहने का अर्थ होता है अपने को क्षमा न करना, अपनी गलतियों को क्षमा न करना, अपनी गलतियों को निकालना। सुनार सोना चांदी गलाता है,
और उसमें मसाला डाल करके सारी कचड़ी को साफ कर देता है, फिर उसको ढालता है, फिर पीटता है गर्मा गर्मा कर, पत्थर बनाता है और ऐसा चिकना बना देता है कि लगता है कहीं इसमें चोट नहीं लगी, फिर नक्काश करता है, मोड़ता है, नक्काश करता है, आभूषण के रूप में तैयार करता है, फिर उसे धोता है मसाले से तो वो चमचमाने लगता है। अपने जीवन को हम इसी ढंग से बनाएं, जीवन हमारा स्वाभाविक निर्मल है, लेकिन इसमें हम मल लगा लेते हैं। सद्गुरु कबीर ने कहा है, चीटी चावल ले चली बीच में मिल गई दार, कहें कबीर संसो पड़ा एक ले दूजी डार। चीटी चावल लेके चली, इतने में बीच में दाल मिल गई तो चीटी खड़ी हो गई, दाल का लोभ उसे हो गया, अब उसके समझ में नहीं आवे क्या करूं। आप जानते हैं जब तक चावल नहीं छोड़ेगी दाल नहीं ले सकती, दोनों वो नहीं ले सकती, तो चीटी खड़ी लोभ में। कबीर साहब पहुंच गए, उन्होंने कहा एक ले दूजी डाल, एक को ले दूसरे छोड़ तब बनेगा, दोनों नहीं बनेगा। ये बात समझाने का तरीका है। चीटी चावल ले चली बीच में मिल गई दार, ये जीव शुद्धता लेके चला। जब आदमी जन्मता है कितना निर्मल शिशु, कितना निर्मल बच्चे को देखो, थोड़ा और बड़ा हो गया भोला भाला सरल, लेकिन थोड़ा दिन और बढ़ा तो सद्गुरु कबीर ने कहा है, चीटी चावल ले चली बीच में मिल गई दार, कहें कबीर संसो पड़ा एक ले दूजी डार। चीटी चावल लेके चली, इतने में बीच में दाल मिल गई तो चीटी खड़ी हो गई, दाल का लोभ उसे हो गया, अब उसके समझ में नहीं आवे क्या करूं। आप जानते हैं जब तक चावल नहीं छोड़ेगी दाल नहीं ले सकती, दोनों वो नहीं ले सकती, तो चीटी खड़ी लोभ में। कबीर साहब पहुंच गए, उन्होंने कहा एक ले दूजी डाल, एक को ले दूसरे छोड़ तब बनेगा, दोनों नहीं बनेगा। ये बात समझाने का तरीका है। चीटी चावल ले चली बीच में मिल गई दार, ये जीव शुद्धता लेके चला। जब आदमी जन्मता है कितना निर्मल शिशु, कितना निर्मल बच्चे को देखो, थोड़ा और बड़ा हो गया भोला भाला सरल, लेकिन थोड़ा दिन और बढ़ा तो बीच में मिल गई दार, बीच में माया मिल गई, तो दोनों एक साथ नहीं बनेंगे, एक ले दूजी डार, माया या राम दोनों में एक ही चलेगा। माया है मन का मोह, मन का विकार, राम है अंतरात्मा। अंतरात्मा की शुद्ध तभी रहेगी जब विकारों से दूर रहे। जीवन स्वाभाविक निर्मल है, इस निर्मलता को बनाए रखना ये सच्ची साधना है। कितना आदमी नमाज पढ़ता है, कितनी प्रार्थना करता है, कौन नाम जपता है, कौन मंत्र जपता है, किस संप्रदाय में रहता है, कैसा वेश है, इसका महत्व नहीं। इसका महत्व है कि उसका मन कैसा है। मन में राग द्वेष कलह कल्पना दुर्व्यवहार की भावना अगर ये है सब बेकार है। वाणी कैसी है, वाणी कटु है, अश्लील है, असत्य है, सब बेकार है। इंद्रियों में आचरण नहीं है अच्छा, पराय स्त्री पर कुदृष्ट, पर पुरुष पर कुदृष्ट, पराय धन पर कुदृष्ट, दूसरों को तकलीफ देने की भावना, नशाखोरी, अभक्ष भक्षण, ये सब है। तो कोई पूजा पाठ करे, कोई प्रार्थना करे, क्या मतलब होता है। जीवन की असली पूजा है जीवन को पवित्र रखना। सहज साधना से ये बहुत सरल हो सकता है। कबीर साहब
ने सहज साधना और सहज समाधि ये दोनों कही है। समाधि पर भी समय से चर्चा होगी। सहज साधना, उनकी सहज साधना है कि जहाँ कहीं हो अपने मन को देखते रहो और धोते रहो। अन्य साधनाएं होती हैं उसके लिए देश काल चाहिए, जैसे कि भीड़ भाड़ से हट करके एकांत कमरा होना चाहिए, अथवा जंगल हो, बाग हो, सुनसान जगह हो, और सवेरा चाहिए, शाम चाहिए, समय की भी बात होती है, स्नान करके चाहिए, बिना स्नान किए नहीं। लेकिन सहज सहज साधना में ये सब की जरूरत नहीं है, ना अमुक देश की जरूरत है, ना अमुक काल की जरूरत है, ना स्नान की जरूरत है। हर समय जो साधना हो वो सहज साधना है। वो क्या है? अपने मन को देखते रहना। हर समय अपने मन को देखे कि मन क्या करता है। पूजा घर में हो अपने मन को देखो, टट्टी घर में हो अपने मन को देखो, खेत में, कारखाने में, दफ्तर में, दुकान पर, सड़क पर, जहां आप हो अपने मन को देखो कि मन क्या करता है, क्या सोचता है, और अपने मन को ठीक करो। हर समय मन को देखो। जहां मन देखने में आ जाएगा वहां सुधार शुरू हो जाएगा। अगर आप रास्ता चलते चलते सामने सांप देखे तो झट से हट जाएंगे, बिच्छू देखे तो वहां से भी हट जाएंगे, गंदगी देखे वहां से भी हट जाएंगे। देख लेने के बाद सुधार अपने आप होता है। हम देख नहीं पाते, देखते हुए देख नहीं पाते, अपने मन के विकारों को समझ नहीं पाते, इसलिए विकारों में फंस जाते हैं, और विकारों में फंस करके कोई सुखी नहीं होगा। क्रोध करके, काम वासना में ज्यादा लिप्त होकर, लोभ करके, मोह करके, झगड़ा करके, कलह करके, बक बक करके कोई सुखी नहीं होगा। सह करके, क्षमा करके, गम खा करके, संयम रख करके, परहेजगारी रख करके आदमी सुखी होगा। इसलिए संप्रदाय और मजहबों के जो नियम हैं वे नियम सीधे धर्म नहीं है, वे धर्म के सहायक हैं। सीधा धर्म है संयम और शील। अपने पर संयम, दूसरे के लिए शील। आप किसी लोक में चले जाइए, चंद्रलोक में तो आदमी नहीं है, प्राणी नहीं है, कोई लोक में हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी भी एक लोक है और यहाँ हम लोग हैं, अरबों लोग हैं, और अन्य प्राणी तो गणना ही नहीं है। ऐसे कोई लोक हो वहाँ मनुष्य हो और उन्नत हो, वहाँ भी धर्म होगा, लेकिन इस भूमंडल का धर्म वहाँ कुछ भी नहीं होगा। यहाँ वेद है, बाइबिल है, कुरान है, जिंदा वेस्ता है, गुरबाणी है, कबीर वाणी है, और बहुत वाणियाँ, राम कृष्ण मोहम्मद ईसा बुद्ध महावीर कबीर नानक, बड़े बड़े महापुरुष हैं, इन सबको लोग जानते हैं। राम राम कहते, अल्लाह अल्लाह कहते, गॉड गॉड कहते हैं, लेकिन किसी हम नए लोक में जाएंगे तो वहाँ ये सब कुछ भी नहीं होगा, वहाँ अपने ढंग से कुछ होगा। लेकिन संयम और शील, ये दोनों का महत्व वहाँ भी होगा, और इसके बिना वहाँ का भी सारा व्यवहार बेकार होगा। आदमी चाहे जिस नाम को जपे, जिस मंत्र को जपे, जिस संप्रदाय और मजहब में हो, अगर उसमें संयम नहीं है, परहेजगारी नहीं है, शील नहीं है, रामदिली नहीं है, तो उसको कोई अच्छा नहीं माने। इसलिए असली जीवन है, असली धर्म है संयम और शील। ये धर्म का तत्व है। मजहब को जो हम धर्म कहते हैं वो एक रस्म है, और उसमें भी सब में एकता की जरूरत है। दुनिया बड़ी विशाल है, हमारा भूमंडल बहुत बड़ा है, और इसमें अनेक देश और प्रदेश और क्षेत्र हैं। भिन्न भिन्न देश काल में महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने
देश काल के अनुसार समाज को सही रास्ते पर लाने के लिए काम किया है, बस वहीं से संप्रदाय बन गया, मजहब बन गया। ते सभी महापुरुष समाज के लिए कल्याणकारी हैं, चाहे वो मूसा हो, ईसा हो, दाऊद हो, हजरत मोहम्मद हो, महाराज राम और कृष्ण हो, बुद्ध महावीर हो, कबीर नानक हो, दयानंद हो, और भी नाम कहाँ तक लिया जाए। ये सभी महापुरुष अपने अपने देश काल के अनुसार समाज को सन्मार्ग पर लाने के लिए इन्होंने प्रयास किया, इनके पीछे संप्रदाय बने। तो संप्रदायों का काम है एक दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव करें, कलह न करें। कलह करना धर्म से कोई मतलब नहीं रखता है। भारतीय परंपरा की उद्दात विचारधारा रही है सबको मिला जुला करके प्रेम से रहना। कबीर साहब ने उसी को बड़ा उत्कर्ष रूप दिया। वेद में आता है, जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम, नाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्षम। जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम, हे पृथ्वी माता, तुम जनों को अपने में रखती हो, विभ्रति नाम रखती है। जन्म जनों को, मनुष्यों को, प्राणियों को, बहुधा विवाचसम, बहुत भाषा बोलने वाले मनुष्यों को तुम अपने में रखती हो। पृथ्वी शोक तेक है, उसी में पृथ्वी की महिमा में कहा गया, हे पृथ्वी माता, नाना भाषा बोलने वालों को तुम अपने में रखती हो। जन्म विवृति बहुधा विवाचसम, नाना धर्माणम, और नाना संप्रदायों में चलने वाले को अपने में रखती हो। कैसे रखती हो? यथोक्सम, यथा औक्सम, जैसे ओकस, ओकस नाम घर, घर अपने में सबको रखता है। घर में 10 लोग हैं, कोई झगड़ाल है, कोई नम्र है, कोई नशेड़ी है, कोई सदाचारी है, लेकिन मकान सबको अपने में रखता है। इसी प्रकार नाना संप्रदायों में चलने वाले हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध और कितने मत हैं दुनिया में, सैकड़ों सैकड़ों, ये पृथ्वी माता सबको अपने में रखती है। वेद के ऋषि कितने उदार हैं, वे पृथ्वी की इसलिए बड़ाई करते हैं कि नाना भाषा बोलने वाले और नाना संप्रदायों में चलने वालों को पृथ्वी माता अपने में रखती है, ये उसकी प्रशंसा है। कबीर साहब ने इसी एकता को विस्तार रूप दिया। उन्होंने कहा, पंडित देखो हृदय बिचारी, को पुरुषा को नारी, सहज समाना घट घट बोले, वाकी चरित अनुपा। वाको नाम काह कह लीजिए, ना वाकी वर्ण न रूपा, तय मैं क्या करसी नर बौरे, क्या मेरा क्या तेरा। राम खुदाए शक्ति शिव एक, ध्यान दीजिए, राम खुदाए शक्ति शिव एक, कोधो का ही नहीं हो रहा। वेद पुराण कितेब कुराना, नाना भांति बखाना, हिंदू तुर्क जैन और योगी एक अलकाहु न जाना। लोगों ने नाना प्रकार से कहा है वेदों में, कुरान में, बाइबिल में और ग्रंथों में, पुराणों में नाना ढंग से बातें कही गई हैं, न कि नाना ढंग से वस्तुएं। जैसे पानी, पानी को वाटर कहा जाता है इंग्लिश में, लेकिन संस्कृत में आप कहा जाता है, फारसी में आब, अरबी में आब कहा जाता है। तो ये भाषा है अपनी अपनी, पानी तो वही है, पानी में कोई फर्क नहीं है। भारतवर्ष में पानी शब्द का प्रचार हुआ,
पानी शब्द संस्कृत का नहीं है, किसी भी संस्कृत साहित्य में पानी नहीं है, पान है। पान कहते हैं पीने को, पानी पिया जाता है, इसीलिए कभी पीने वाली चीज जल को पानी कहा जाने लगा। पुराने साहित्य में, संस्कृत साहित्य में पानी कहीं नहीं, लेकिन पानी तो सदा है, धरती पर पानी सदा है, आकाश में पानी सदा है। पानी को वाटर को, जल को, तोय को, नीर को, आब को, बातें को, ऐसे राम को, रहीम को, बातें को, मनुष्य हिंदू को, मुसलमान को, एक शिष्य नवजात शिष्य सड़क पर मिले, वो न भी हिंदू है न मुसलमान है, वो ईमानदार मनुष्य, उसको क्या कहोगे? ये तो थोड़ा बड़ा हो करके तब नक्काश बनाया जाता है शरीर में और वेश में, इसलिए असलियत एक है। कुपुरुषा को नारी, साहब कहते नारी और पुरुष भी क्या आत्मा भिन्न है? भिन्न तरीके से आत्मा नहीं है। नारी और पुरुष के शरीर में कुछ अंगों की बनावट का अंतर है बस। दोनों में ज्ञान, भक्ति, वैराग के बीज हैं, दोनों को बंधन है, इसलिए दोनों मोक्ष के अधिकारी हैं। दोनों पाप पुण्य जो करते हैं उनको कर्म फल भोग लगते हैं, और इसीलिए दोनों में से कोई ज्ञान, भक्ति, वैराग से चल करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसलिए नारी पुरुष में अधिकार सबका बराबर है, किसी कम अधिकार नहीं है। हमारे पंडितों ने कहा कि वेदों में स्त्रियों का अधिकार नहीं है, जबकि वेद के मंत्रों की रचयिताएं एक दर्जन से अधिक स्त्रियां हैं। जब वे वेद के मंत्र लिख सकती हैं, रच सकती हैं, तो पढ़ नहीं सकती हैं। शूद्र अधिकारी नहीं है, शूद्र कहे जाने वाले लोग भी वेद के मंत्रों की रचयिता हैं। इसलिए बीच में गड़बड़ियां बहुत हुई हैं। चारों वेदों में कहीं नहीं कहा गया है कि वेद का अधिकारी अमुक है और अमुक नहीं है, मानव मात्र अधिकारी है। मनुर्भो जनया दिव्यम जन्म, ये ऋग्वेद में कहा गया, मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो। भारतीय परंपरा का मूल वेद और उपनिषद इत्यादि कहें, उसमें उदार विचार है इसके लिए। कबीर साहब ने अपने जमाने में देखा बौखलाहट बहुत, उन्होंने बहुत झकझोर के कहा, क्योंकि उनकी स्थिति कुछ अलग थी। उस जमाने में हिंदू मुसलमान का कलह ज़्यादा था, और उन्होंने दोनों को फटकारा और दोनों की वास्तविकता को बताया कि दोनों वही हो, दोनों एक ही बात कहते हो, शब्दों की हेरा फेरी में झगड़ो मत, प्रेम का व्यवहार करो। संप्रदाय सनातन नहीं है, संप्रदाय बनते हैं, बदल जाते हैं। इस धरती तल पर 2500 वर्ष के पहले का कोई संप्रदाय नहीं है, सब संप्रदाय 2500 वर्ष के अंदर के हैं। और जो संप्रदाय आज हैं, हजारों वर्ष में बदल करके पता नहीं क्या हो जाएंगे। इसलिए संप्रदायों पर जोर नहीं होना चाहिए। संप्रदाय और मजहब वाले मान रखे हैं कि हमारे मजहब और संप्रदाय से ही मोक्ष और स्वर्ग है, दूसरे से नहीं, ये हैकड़ीपन है। मोक्ष और स्वर्ग मजहब और संप्रदाय की चीज नहीं है, ये व्यक्ति की चीज है। मन में मैल है नरक है, मन पवित्र है स्वर्ग है, मन में आसक्ति है बंधन है, मन अनासक्त है मोक्ष है। ये स्वर्ग नरक और मोक्ष और बंधन की परिभाषा है। स्वर्ग और नरक जो पौराणिक कल्पनाएं हैं कि नरक लोक है, स्वर्ग लोक है, वो काल्पनिक है, कहीं ना स्वर्ग लोक है ना नरक लोक है। मन की मलिनता ही नरक है। क्रोध, काम, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मनोविकार, ये नरक है। क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, समता, शील, संयम, संतोष,
इन सद्गुणों का चित्त में रहना स्वर्ग की स्थिति है। अपना मन आसक्त है चारों तरफ, ये बंधन है, सब आसक्ति मिट गई, मोक्ष है। ये व्यक्तिगत विषय है, यह मजहब की विषय बात नहीं है। हर संप्रदाय में अच्छे लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। एक संप्रदाय दूसरे को नास्तिक, काफिर, नापाक कहने लगता है, ये उसकी असावधानी है, भूल है। दुनिया में नास्तिक कोई नहीं है, काफिर कोई नहीं। नैतिकता को सब मानते हैं, चोर भी नैतिकता को मानता है। चार चोर जब चोरी का माल बांटते हैं तो कहते भाई ईमानदारी से बांटना, चुराना नहीं। चोरी का माल भी चुराने से परहेज किया जाता है, ईमानदारी का बर्ताव आपस में होना चाहिए। इसलिए चोरों में भी नैतिकता के बीज है। दुनिया में न कोई नास्तिक है न कोई काफिर है। ये तो नास्तिक, काफिर, नापाक शब्द गढ़ करके समाज में विष बोया गया है। सांप्रदायिकता का जहर क्यों पैदा होता है? हम मान लेते हैं कि हमारा महापुरुष ही मोक्षदाता है, हमारी किताब ही मोक्षदाता है, हमारा संप्रदाय ही मोक्ष और स्वर्ग का टिकट बांटता है। ऐसा कुछ नहीं। किसी संप्रदाय में आदमी हो, किसी महापुरुष को मानता हो, जो विचारवान होगा वो एक महापुरुष को मानेगा तो दूसरे को भी मानेगा। इसीलिए तो साहब कहा वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए। अगर आप महादेव को मानते हैं तो मोहम्मद को भी मानिए, और मोहम्मद को मानते हैं तो महादेव को भी मानिए, ब्रह्मा को मानते हैं तो आदम को भी मानिए, आदम को मानते हैं तो ब्रह्मा को भी मानिए। को हिंदू को तुरुप कहावे एक जमीन पर रहिए, एक जमीन पर रहते कौन हिंदू मुसलमान है? तो एकता की वंशी कबीर साहब ने फूकी और उन्होंने कहा असलियत का समझो, आपस में लड़ो मत, प्रेम से रहो। मोक्ष का काम करो वो चित्त की निर्मलता से संभव है, दुनिया से हार जाने से संभव है। हार जाओ तो जीत जाओगे। हारा सो हर को मिले, जीता जमपुर जाए। जो हार जाता है हर को मिलता है, जो जीतने की चेष्टा करता है वो यमपुर में जाता है। यहाँ हार जाने मतलब क्या है? सह लेना, क्षमा कर लेना, गम खा लेना, संतोष कर लेना, सिर झुका लेना। ये करके देखो। सास बहू आपस में लड़ती है, सास ने कट कर दिया, बहू चुप हो जाए, केवल चुप, शांत। सास के लिए दुर्व्यवहार भी न करे, सास से मीठा बोले, प्रसन्न हो के उसकी सेवा करे। सास का कट वचन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बहू कट कहती है, सास विनम्र हो जाए, सहले। बेटी है, बहू बेटी है। अपनी बेटियां तो चली जाती हैं अपने ससुराल, माताओं के साथ रहने वाले जो सहायिका हैं वही बेटी बहुएं हैं। कितनी माताएं इस चीज को नहीं समझती हैं, बेटी से तो बड़ा प्रेम, बहुत बढ़िया प्रेम होने चाहिए, बहू से प्रेम नहीं, और बहुत से लागडांट बना रहता है। और ऐसी हरकत से जब ये दीर्घ काल तक चलता है तब सास बूढ़ी हो जाती है, एक किनारे बैठ गई। अब बहू का घर में शासन चला तो सारी कसर वो सास से निकालती है और सास का जीवन कष्टमय हो जाता है। सास को चाहिए कि बहु पुत्री समझे, बहु पुत्री, असली पुत्री बहु है। वो बुढ़ापा तक नहीं अपने मृत्यु तक साथ देगी, सास की मृत्यु होगी तब तक वो साथ देगी। इसलिए सास सहले, अगर कहीं बहु में कुछ ऐसा स्वभाव है कट तो सास सहले, पुत्री मान करके देखो बहु सुधर जाएगी। सहना सीखो तो ये झगड़ा बढ़ता है कहते कहते। हमने कुछ कहा है आपको, आपने हमें कहा, फिर और हमने कहा, कहते कहते बढ़ गए।
एक कट कहा, दूसरा और कट कहा, तीसरा और कट कहा, बस लंका कांड शुरू। कोई कहा, आप न कहा, शीतल हो जाए। इसमें लगता है कि हम तो हमारी तोहीन हो गई, कोई हमें गाली दे हम चुपचाप रहे तो निकम्मे, हम भी गाली दें, लाठी ले लें, ये ज्यादातर लोग समझते हैं। कोई गाली दे आप मौन रहो, शांत सिर झुका दो, देखो कितना आनंद आएगा, वो शर्मा जाएगा, सब आपके पक्षधर हो जाएंगे, उसी को लोग कहेंगे। लेकिन बहुत वीर आदमी होगा ऐसा कर सकता है, कायर आदमी नहीं कर सकता। कायर आदमी तो लड़ता है, कायर आदमी गाली देता है, कायर आदमी उद्वेगित होता है, उलझता है, क्रोध करता है। क्रोध में तो कितने लोग कांपने लगते हैं, थरथराने लगते हैं, ये कायरों का लक्षण है। वीर का लक्षण है स्थिरता, गंभीरता, शांत। बिजली परे समुद्र में कहा सकेगी चार, समुद्र में बिजली गिरी समुद्र का क्या बिगाड़ेगी, अपना ही बुझ जाए। समुद्र के समान सहनशील बनो, इसकी जरूरत है। कलह नरक है, प्रेम स्वर्ग है। घर घर में कलह, कितने घरों में शाम को जब लोग इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे से बात नहीं करते। भोजन का समय आया तो पिता भोजन में बैठा है, पुत्र बाहर बैठा है, भाई के साथ भाई भोजन नहीं कर सकता। सुबह उठे जिसके मन में जो आया किया, आपस में कोई मीटिंग नहीं, न ईटिंग न मीटिंग, साथ साथ ईटिंग भी नहीं और मीटिंग भी नहीं। एक साथ बैठ करके खा भी नहीं सकते, एक साथ बैठ करके बतिया भी नहीं सकते, तो ऐसी जगह नरक के सिवा क्या है। कलह नरक है, प्रेम स्वर्ग है। अगला आदमी गलत कर दिया, अब आप भी वैसे किए तो बराबर हो गए। साहेब ने कहा वो तो वैसा ही हुआ, तू मति हो अयान, वो निर्गुणिया तय गुणवंता, मत ये कई में शान, वो ऐसा हुआ हुआ, उसकी गलती है, तुम भी वैसे मत बनो, क्योंकि तुम स्वयं मानते हो निर्गुणिया और तुम गुणवान हो, तो एक में क्यों मिलाते हो। किसी ने गाली दी, हम क्यों गाली दें। गाली दे करके उसने अपने मन और वाणी को खराब किया, तो हम क्यों गाली दें, हमारी मन वाणी खराब होगी फिर। ये सब बातें गंभीरता से समझने की है और करने की है। ये खास साधना, ये धर्म साधना है। कोई नाम तो आप रख सकते हैं, कोई मंत्र जप सकते हैं, ये बड़ा सरल है। यद्यपि नाम मंत्र जपने वाले भी बहुत कम है, कोई नाम जपता कोई मंत्र जपता अच्छा ही करता है, लेकिन सबसे अच्छा है अपने जीवन को पवित्र करना। सहज साधना, मैंने बीच में कहा था सहज साधना। हर जगह अपने मन को देखो, कहीं भी रहो, बिस्तर पर लेटे हो, रास्ते में चलते हो, कारखाने में हो, दफ्तर में हो, दुकान पर हो, खेत में हो, टट्टी घर में हो, पूजा घर में हो, रसोई घर में हो, हर जगह अपने मन को देखो। मन में जो गलतियाँ आती, कूड़ा कचरा आता, उसको रहने न दो, और एक एक वाणी संभाल करके बोलो जिसमें झूठ कपट छल अश्लील कट न हो। जब बोलो मीठा और विनम्र वचन बोलो, इंद्रियों के आचार पर निगरानी रखो, गंदा खान पान न हो, गंदा आचरण न हो। इस प्रकार अपने पूरे जीवन को शोधना यह धर्म है। अपने आप को जितना शोधोगे उतना दूसरे के साथ शील का बर्ताव कर सकोगे। जो सहनशील है, गमखोर है, संयमी रहता है, संयम से रहता है, परहेजगारी से रहता है, वो दूसरे के साथ नम्र होगा। जो जितना भोगी होगा, अहंकारी होगा, उतना कट होगा, स्वयं जलेगा, दूसरों को भी जलाने की चेष्टा करेगा। धर्म का तत्व संयम और शील में है।
और ये सनातन धर्म यही है। सनातन धर्म का रूप हिंदू में कहते हैं कि राम कृष्ण को अवतार माने, वर्ण व्यवस्था माने, तुलसी पूजा माने, गणेश गौरी माने, यही सब कुछ माने, सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म अपने ढंग का है। असली सनातन धर्म है संयम और शील, जिसका पालन सब कर सकें। पूरी दुनिया के लोग, इस दुनिया के बाहर भी अगर मनुष्य हों, वे भी इसको मानेंगे, संयम और शील को। अपने लिए परहेजगार रहना, परहेजगारी से रहना, और दूसरे के साथ रामदिली का व्यवहार करना, स्वयं पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव, ये धर्म का तत्व है। ये धर्म सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, और यही सनातन धर्म है। कबीर साहब इसी धर्म के पक्षधर हैं, और यही धर्म आपका अपना है। मजहब अलग अलग है, मजहब के अनुसार आप नाम जपो, मंत्र जपो, कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई लड़ाई की जरूरत नहीं है। राम वाला राम को माने, कृष्ण वाला कृष्ण को माने, शिव वाला शिव को माने, और लोग अपना अपना माने, लेकिन एक दूसरे के साथ प्रेम का बर्ताव करें। राम वाला भी कृष्ण का आदर करे, कृष्ण वाला भी शिव का आदर करे, मोहम्मद वाला राम का आदर करे, राम वाला मोहम्मद का आदर करे, सब एक दूसरे के प्रति आदर दो। आपके घर में कोई मुसलमान आ जाए, नमाज पढ़ने के समय है तो नमाज पढ़ने की जगह दो, वो नमाज पढ़ ले। मुसलमान के घर में हिंदू गया हो, पूजा करने के समय आ गया हो, तो मुसलमान को चाहिए उसको पूजा करने की जगह दे। इतना उदार होने की जरूरत है, तब कल्याण है, तब शांति है। एक दूसरे से घुलो मिलो, प्रेम का व्यवहार करो। शत्रु कोई नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। हमारे ऋषियों ने कहा, जन्म विवृति बहुधा विवाद संनाना धर्माणं पृथ्वी यथोक्षम, जिसका विवरण मैंने पहले दिया। हे पृथ्वी माता, तुम नाना भाषा बोलने वाले और नाना संप्रदायों में चलने वाले को अपने में उसी प्रकार रखती हो जैसे मकान सबको अपने में रखता है। इतना हमारे ऋषि उदार है कि नाना भाषा बोलने वाले और नाना संप्रदाय में चलने वालों को प्यार देते हैं। हमें वैसे होना चाहिए। कबीर साहब इसी को और बृहद रूप देते हैं, और सबको समेट लेने की जरूरत है। कोई पराया नहीं, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी ब्राह्मण शूद्र, सब नाम है केवल, मानव केवल मानव, मानवता से प्रेम करें, संयम और शील का बर्ताव करें, यही असली धर्म है, यही सनातन धर्म है, और इसी से सबका मंगल है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।